शाह ने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा काम करूँगी, ऐसा दिखाऊँगी कि भाई मैं काम कर रही हूँ, उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो बस जब से मैंने ये बात बोली है ना ईशा को, तब से वो ऐसे ब्रश और कलर अपने हाथ से छोड़ ही नहीं रही है। जैसे ही सविता दिखती है वैसे खड़े होकर ऐसे तुरंत काम करना स्टार्ट कर देती है। सुबह के बजने वाले 8 और आज है 4th January ट्यूजडे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HX94 व्लॉग्स। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। 7 बजे जगा और 7 बजे जगते ही चाय नाश्ता किया और फिर रेडी हो गया। आज नहाया नहीं है बट हाँ रात को नहा के सोया था, तो अभी उठा और ब्रश व्रश किया, फ्रेश हुआ, फिर कपड़े चेंज कर लिए एंड अब जाना है पेंटिंग के काम को लेकर वही जहाँ कल गया था। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ पेंटिंग का काम करने के लिए। ये देखिए, आज मेरे पास कैश नहीं थे तो मॉम 500 रुपीज़ मेरे लिए छोड़ के गई है। ऐसे रोज़ बाहर जाना होता है ना, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ खाना पीना रहता है, तो फिर गूगल पे हर जगह पे नहीं रहता, थोड़े बहुत कैश रहने पॉकेट में ज़रूरी थे। मॉम ने कहा कि रख के जा रही हूँ ले जाना, और पानी का बॉटल भी मॉम ने भर के रखा है। थैंक यू मम्मी, स्कूल जाने से पहले ये सब करके गई तू मेरे लिए, लव यू। अभी फटाफट बाइक लेके निकलते हैं यार, फिर रोज़ देर हो जाती है। आज भी थोड़ी बहुत तो देर हो ही गई, 7:30 बजे वहाँ पहुँचना था, बट अभी पहुँचूंगा मैं 8:10 के करीब करीब। आज मैं कमांडो लेकर निकला हूँ बिकॉज 8-10 दिन हो गए थे पार्किंग में ऐसे ही खड़ी थी। मैं कावासाकी लेके निकल रहा था, घूम फिर रहा था, तो सोचा कि बैटरी कहीं लो ना हो जाए अपनी कमांडो की, तो आज निकल पड़ा कमांडो लेकर। पहले यहाँ से सीधे शॉर्टकट रास्ता था 500-600 मीटर का, बट बंद कर दिया। वैसे अब धीमे धीमे ठंड कम होती जा रही है, जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस बाइक राइड करने के दौरान ऐसे ठंडी हवा लगती है ना, तो ऐसा फील होता है कि हाँ ठंड है, बट कहीं पे रुकते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर ऐसा लगता है जैसे ठंड है ही नहीं, गर्मी लगती है। तो इस वजह से मैं अब जैकेट पहने बिना ही निकलता हूँ। ये शॉर्टकट देखो, यहाँ से सीधे उस साइड जा सकते थे। स्पीड ब्रेकर, सिटी में बाइक लेके कार लेके निकलो और तीन चीज़ें ना मिले तो सिटी में घूम रहे हो ऐसा फील ही नहीं होता। एक तो ट्रैफिक, एक स्पीड ब्रेकर और एक रेड लाइट। वैसे अभी जो मैं एक टाइम पे दो काम कर रहा हूँ एक साथ, वो करने में मुश्किल तो हो रही है। जी हाँ बिल्कुल हो रही है, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कर तो लेता हूँ कैसे ना कैसे, बट मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। नया है ना, यूज़ टू हो जाऊँगा, बट फिर भी मुझे करना है। एक तो पेंटिंग का कमीशन वर्क और साथ में व्लॉगिंग, दोनों करूँगा मैं, जितना हो पाएगा ना उतना करूँगा, बिकॉज मुझे मेरी लिमिट को पुश करना है। इस साल में ना बहुत कुछ सोचा है कि भाई इस साल आलस तो बिल्कुल नहीं करना है, जितना बेस्ट मेरी ओर से मैं मेरी ज़िंदगी में दे पाता हूँ ना उतना देने की कोशिश करने वाला हूँ। और गाइज आप भी वही करना। यहाँ पे मैंने मेरा हेलमेट और बैग रख दिया है, देख लीजिए, कलर्स। आ चुका हूँ मैं यहाँ पे जहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है। कल हमने यहाँ से ले के यहाँ तक की ड्राइंग कंप्लीट की थी, अभी भी थोड़ी बहुत ड्राइंग बाकी है आउटलाइन, तो अब आज यहाँ पे कलर काम चालू कर देंगे। वैसे आज पूरा दिन नहीं बैठने वाले बिकॉज सभी को भी ऑफिस का काम है और ईशा को भी ऑफिस का काम है, तो 10:30 तक हम काम करने वाले। सभी ने तो वहाँ पर देखिए काम स्टार्ट कर दिया है, कलर कर रही है, और वो कलर किससे कर रही है आपको दिखाता हूँ। ये जो आप मशीन देख रहे हो इसे कहते हैं कंप्रेसर, और कंप्रेसर से स्प्रे लगाया जा रहा है, कलर मार रही है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, वॉल पेंटिंग हो गई या फिर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, और बड़ा सा पैच लगाना होता है, ऐसे बैकग्राउंड करना होता है या फिर कोई भी फिगर में, बड़ी फिगर में कलर करना होता है ना, तो कंप्रेसर से कलर करना अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरह से सभी स्प्रे लगा रही है। सभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, काम स्टार्ट? ओके, तो आज ना ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगा बिकॉज टाइम आज कम है, 10:30 बजे निकलना है, और ये बस कंप्रेसर का काम, मतलब कि कंप्रेसर से कलर काम यहाँ पे ख़त्म होगा, उसके बाद वहाँ पे सीधे हम जाके आउटलाइन ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे और फिर कलर काम भी उसमें स्टार्ट करेंगे।
10:30 बजने वाले और यहाँ पे ड्राइंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट अब ड्राइंग ये वाली पैनल का डन होने वाला है, ड्राइंग हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे कलर काम स्टार्ट होगा। टैपिंग लगाना सविता ने स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट ये वाली पैनल का भी आज टैपिंग हो जाएगा और फिर वो वाले पैनल से यहाँ तक कलर काम स्टार्ट कर देंगे। ईशा करके एक और आर्टिस्ट है हमारे साथ जो काम पे लगी हुई है, फुल आर्टिस्ट मोड ईशा का ऑन है। ईशा हेलो, कैसा चल रहा है काम? बस जोर-जोर। मैंने ईशा को कल ऐसे चुपके से बोल दिया था कि सवी ना ऐसे प्रोग्रेस कार्ड बना के रखा है और वो सब देख रही है, नोट डाउन कर रही है कौन कितना काम कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, कितना खड़ा रह रहा है, कितना सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के काम पे ऐसे ध्यान दे रहा है। तो ईशा ने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा काम करूँगी, ऐसा दिखाऊँगी कि भाई मैं काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो बस जब से मैंने ये बात बोली है ना ईशा को, तब से वो ऐसे ब्रश और कलर अपने हाथ से छोड़ ही नहीं रही है। जैसे ही सविता दिखती है वैसे खड़े होकर ऐसे तुरंत काम करना स्टार्ट कर देती है। ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। है ना? मनी, 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 मनी। आज 10:30 तक ही काम करना है, 10:30-11 तक, तो आधे दिन की ही आज दिहाड़ी मिलेगी हमें। ईशा मैं तो सोच रहा हूँ कि चौराहे पे बैठ जाओ, ऐसे दूसरे काम को किसी की जरूरत होगी ना, दूसरे का डब्बा हाँ वही ऐसे कोई लेने आ जाएगा कि भाई ये काम है पूरा करेगा, मैं हाँ ही बोल दूंगा क्योंकि शाम तक फ्री हूँ। हाँ मैं तो बोर्ड बनवा लूंगा एक, है ना, फिर चौराहे पे बैठ जाऊंगा खाली टाइम पे। किसी को पेंटिंग का काम हो तो भाई मुझे हायर कर सकता है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ सुबह शाम। तो हम लोग को हायर कर लेना। हाँ चलो गाइस, हंसी मजाक करते करते ऐसे काम किया जाता है, अभी जल्द से जल्द काम करते हैं और उसके बाद 10:30-11 बजे तो हम अलग हो जाएंगे ना। बस तो फटाफट काम निपटाते। दोपहर के 11:30-12 बज रहे होंगे और मैं निकल चुका हूँ पेंटिंग वाली साइड से। पेंटिंग जितना हो पाया उतना हमने 11:30 आसपास तक कंप्लीट करने की कोशिश की। अभी कल वापस सुबह में यही काम करने के लिए आना होगा। फिलहाल घर पहुंचता हूं। मेरे लेफ्ट में है सयाजी गार्डन। सयाजी गार्डन को लोकलाइट लोग कमाटी गार्डन के नाम से भी जानते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग कमाटी गार्डन के नाम से ही ऐसे जानते हैं, बट ओरिजिनल नाम है सयाजी गार्डन। ये गार्डन भी विजिट करने एक दिन आऊँगा, मुझे स्पेशली जू देखना है। बस 2 सेकंड खुली रहे, 2 सेकंड बस मैं क्रॉस हो जाऊँ। थैंक यू सो मच फाटक कि तू मेरे लिए खुली रही। रास्ते पे इतना पानी कहाँ है भैया? ओके, किसी ने कंपाउंड वॉश किया होगा अभी अभी। फाइनली घर आ गया, मस्त घर आया और 2 घंटे की नींद पूरी ले ली। अब जाके अच्छा लग रहा है, रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। वैसे शाम के 5:30 बज रहे। अपनी स्विफ्ट इतनी गंदी हो रखी है, वैसे तो मैंने वॉश करवा के रखी थी बट ऐसे ही पड़े पड़े बड़े बड़े धूल लग गई। तो पापा गांव से यहाँ आए ना, उससे पहले मुझे स्विफ्ट को साफ करना पड़ेगा, क्लीन कर देना पड़ेगा, ऐसे पोछा लगा देना पड़ेगा, ना फिर पापा गुस्सा होंगे और बोलेंगे कि भाई तुझे स्विफ्ट ला के दिए और तू ध्यान नहीं रख रहा है ना बाइक का ना कार का। वो देखो मेरी मम्मी वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है। मम्मी को ना ऐसे प्लांटेशन का बहुत शौक है, तो वहाँ पे अलग अलग प्लांट्स लगा के रखे आंटी ने, सामने वाली वही सब ऐसे चर्चा करने के लिए गई होगी कि ये प्लांट कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए, ये कैसा है, ये वैसा है, ये मेरे को चाहिए ऐसा वैसा, तो यही सब करती रहती है फ्री होती है तो। स्टार्ट हो जा एसूस। चलिए अब एडिटिंग स्टार्ट करूँगा मैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।